रोटेट करने को रहे। ऐसे ही बोल रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज मास्टर शेफ इंडिया डॉक्टर सना हेमंत, और हम आज बनाने वाले हैं खाउसा। खाउसा वैसे तो बर्मिश डिश है, लेकिन बहुत सारी पूरी दुनिया ने इसे अपना लिया है अलग अलग तरीके से, अपने अपने वेरिएशन से, और नेमंस इसको खास करके बनाते हैं, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, हर जगह पर ये डिश बनाई जाती है। और इसमें यूज होते हैं नूडल्स, स्पैगेटी जिसे हम बोलते हैं, पास्ता होता है एक प्रकार का, बट ये स्पेशली घरों में भी बना लिया जाता है। सूरत में तो बहुत इजीली अवेलेबल है, पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, और जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, मैं भी मेमन हूँ और मैंने पूरा मेमन अटायर पहना हुआ है, ताकि थोड़ा मूड बने ना मेमन वाला। सो उसके लिए हम देखते हैं कि हमें क्या क्या लगेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे बॉईल करके स्पैगेटी रख दी है। आप नूडल्स भी यूज कर सकते हैं या फिर स्पैगेटी पास्ता भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। हमने इसको बॉईल करके ऑयलिंग करके रख दिया है, ताकि हम जल्दी जल्दी आपको सारी चीजें बता सकें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ में हमारे साथ जाएगी करी, तो हमने एक मैरिनेशन के साथ में इसे धीमी आंच पे बनाया है, इसे आप देख सकते हैं। हमने छोटी छोटी बोटियां ले ली, चाहे आप चिकन ले लें या फिर लैम्प ले लें। मैंने लैम्प लिया है, और इसमें मैंने मैरिनेशन किया है दही का, उसके ऊपर मैंने डाला रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और थोड़ा सा तला हुआ प्याज, जैसे मैंने यहाँ पे बरिस्ता किया हुआ था, इसी को पीस कर मैंने इसमें डाल दिया, मैरिनेट किया और धीमी आंच पर पकने दिया। तो जब से मैंने करीबन 12 बजे से इसे पकने के लिए छोड़ दिया था, ताकि ये धीमी आंच पे पकता रहे, और ये पूरी तरह भी गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब हम बनाने जाएंगे इसके साथ में करी। करी कैसे बनती है वो हम देखते हैं। अमूल मस्ती, बहुत सारी मस्ती के साथ में अमूल मस्ती। थोड़ा सा पहले हम डालेंगे, उसके बाद बेसन, बना दी कटोरी जितना बेसन, बहुत सारी कढ़ी नहीं बनाने वाले हैं, थोड़ी थिक कढ़ी बनाएंगे। अच्छे से घोट लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब विस्क से भी कर सकते हैं, चम्मच से भी कर सकते हैं, देखेंगे लम्स ना हो इसमें। आई थिंक आई एम ऑडिबल। कोई भी क्वेश्चन खाउसे को लेकर के है आपके मन में, कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं मुझसे। वैसे आप अक्सर मैंने सुना है कि लोग मेमन के बारे में कम जानते हैं कि मेमन कम्युनिटी क्या है। तो मेमन गुजरात की कम्युनिटी है, और हमें नाम मेमन मिला था अपनी मेहमान नवाजी के लिए। तो मेमन है फेमस फॉर देयर मेहमान नवाजी। इसमें मैंने हल्दी डाली है कलर के लिए, और फिर से अमूल मस्ती। आप चाहें तो खट्टी दही भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे अमूल मस्ती की छाछ पसंद है, इसमें ज्यादा फ्लेवर बढ़ा देती है। थोड़ी और अमूल मस्ती खाएंगे हम, इतना पतला करेंगे कि पकने के बाद ही ऑलरेडी गाढ़ा होने वाला है। कंसिस्टेंसी होगी, बिल्कुल वॉटरी कंसिस्टेंसी होगी। हमने पैन ले लिया है,
गरम करने छोड़ दिया है। माय फेवरेट अमूल बटर, असली बटर। बचपन से हम यही जानते ना, बटर हो तो अमूल बटर। इसके अलावा कोई नाम ही नहीं होता दिमाग में। आप ऑयल का भी यूज कर सकते हैं कि मुझे अमूल बटर पसंद है, या फिर आप अमूल घी भी यूज कर सकते हैं। स्पेशली मैं ये काव घी यूज कर रही हूँ और बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बिल्कुल होममेड जैसा फील आता है। खौसा एक वन प्लेट डिश है, इससे एक प्लेट में ही आपको इतना मजा आने वाला है। एक बाउल में सर्व कर दो, ज्यादा कोई चीजें डालने की जरूरत नहीं है। हमने अमूल बटर में डालने वाले हैं राई, जीरा, ब्लैक पेपर और लौंग। खुशबू आने लगी है, तभी हमें चाहिए। करी पत्ता, थोड़ी सी ग्रीन चिली, गार्लिक, तो पढ़ के बताएंगे। टेम्परेचर कम कर दे, धीमी आंच में थोड़ा सा कलर आने दे। कड़ी पत्ता अपने आप में इतना अरोमेटिक होता है कि जिसकी खुशबू के बाद अगर भूख ना लगे तो वो पॉसिबल ही नहीं। तो मुझे तो बहुत जल्दी भूख लगने लग जाती है जब मैं ये तड़का तैयार करती हूँ। बिल्कुल नहीं, अमूल मेरा फेवरेट है और जहाँ तक मैं जानती हूँ इंडिया में रहने वाले हर किसी का फेवरेट होता है, इसीलिए मैं अमूल बोल रही हूँ। आप चाहें तो कोई और भी ब्रांड यूज कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी अमूल इज द बेस्ट। ये हमारा होल चला गया है, इसको आप अमूल मस्ती के साथ साथ या दही के अलावा कोकोनट मिल्क में भी बना सकते हैं इस कड़ी को, जो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। जी अब काश आप इसको सूंघ पाते, काश आप इसकी खुशबू ले पाते। हाँ लेकिन जरूर लीजिएगा फिर पे बना के खुशबू। देखिए चीज हमारी रेडी हो चुकी है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स लगते हैं। हाँ मैं आपको यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो दिखा देती हूँ। फर्स्ट एलिमेंट है हमारे लिए नूडल्स के बाद। आई टोल्ड यू कि मैंने मटन को मैरिनेट करके बना के रखा था, ये भी मैंने अमूल बटर में ही बनाया था, मैंने एक्स्ट्रा कोई और फैट यूज नहीं किया। अपनी कड़ी को हिलाते रहें, लो टेम्परेचर पर बनाएं इसको, थोड़ा थिक होने दें इसको। नहीं आप गैस पे भी बना सकते हैं, बट इंडक्शन पे आप अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका
मटन ग्रेवी रेडी कर लिया था हमने, है ना, जो बोनलेस छोटे छोटे क्यूब 1 इंच के क्यूब्स में बनाया था कि आप एक चम्मच से जब खाएं तो उसको इजीली खा सके। उसके बाद मैंने यहाँ पे बिरिस्ता तैयार कर लिया था। ये आप पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं, चॉप जिंजर, गार्लिक, लेमन जो ऊपर से जाएगा। हमारी कढ़ी देखिए यहाँ एकदम गाढ़ी हो गई है, बिल्कुल ऐसे थिक होनी चाहिए, थोड़ी सी क्रीमी लगनी चाहिए, ठीक है। इसमें मैं डालने वाली हूँ डिफरेंट चीज़ें, आपको लगेगा कड़ी नॉर्मल लग रही है कुछ इसमें अलग नहीं लग रहा है, तो इसमें डालने वाली कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे जब आप इसके अंदर, ये पूरा फ्लेवर पूरा अरोमा पूरा टेस्ट चेंज हो जाने वाला है। इसमें मैंने इसमें एक कटोरी जितना कोकोनट डाल दिया, खुशबू पूरी तरीके से कोकोनट जैसी हो गई, नटी सी आ रही है। मेहमान के घर में ये बनता है और हर मेहमान को ये पसंद है, एंड आई होप कि जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो आपको भी ये पसंद आएगा। तो हमारा ये मटन है, इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा मिंट, कम टेम्परेचर पे अनियंस, सारे एलिमेंट्स एक बार आप नजर घुमा लें जिसकी फिनिशिंग पे काम आ रहा है। स्पैगेटी मैंने यूज़ की, मैंने ये डेलमोट की यूज़ की है स्पैगेटी। आप चाहें तो नूडल्स, हक्का नूडल्स भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको खौसा नूडल्स मिल जाते हैं तो फिर और बढ़िया बात है। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। Voice is not clear. So, कहाँ पर आप नहीं सुन पाए, क्या नहीं समझ पाए, आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। हम बना रहे खौसा, जो एक बर्मन डिश है और अडेप्टेड बाय मेमन्स है, जो इंडिया में मेमन्स उसे बहुत ज़्यादा बनाते हैं। हमने मटन को मैरिनेट किया दही जिंजर गार्लिक पेस्ट अनियंस और गरम मसाला के साथ में, और उसके बाद में हमने इसको जो है फाइन भून लिया है, अच्छे से भून लिया, इसको बहुत सूखा करना है, बहुत ड्राई करना है। एग्जैक्टली कौन सा कोकोनट मिल गया? हम कोई भी कोकोनट मिल्क यूज कर सकते हैं, हम चाहें तो अपने घर में ही बना सकते हैं, बहुत ईजी है कोकोनट मिल्क बनाना।
ही यूज करती हूँ मैं हमेशा। आप चाहे तो पैक वाला भी यूज कर, आप चाहे तो पैक वाला भी कोकोनट मिल्क यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा घर का ही यूज करती हूँ। हमारा यहाँ पे ये मटन भी तैयार हो रहा है, भून रहा है, आप देख सकते हैं कि नीचे लगने लगा है। जहाँ क्वालिटी की बात आती है तो थोड़ा तो पे करना पड़ता है। अगर हम सस्ते की बात करें तो सस्ते में कई बार धोखा होता है कि हमें अच्छी क्वालिटी की चीज नहीं मिल पाती, और जहाँ हम ऑर्गेनिक लेने जाते हैं, जहाँ हम अमूल की बात करें, तो मुझे तो उसकी क्वालिटी के हिसाब से काफी सही रेट लगता है, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक लेने जाते हैं या बाहर से, अगर हम खुद घर में प्रोड्यूस करते हैं, अगर मैं घर में घी निकालती हूँ तो इस कॉस्ट में घर पे भी घी निकल नहीं पाता है, वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। मुझे अमूल उतना कॉस्टली फील नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ दूध बहुत महंगा है, तो अमूल मुझे अच्छा लगता है। अमूल का दूध हो जाए या फिर अमूल का घी हो या बटर हो, सब कुछ मुझे काफ़ी रीजनेबल लगता है, अकॉर्डिंग टू मी वो रीजनेबल है और क्वालिटी वाइज भी रीजनेबल है। तो हमारे कुछ एलिमेंट्स तैयार हो गए हैं, जैसे हमारे नूडल्स, बेसिक नूडल्स, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली ये हमारे पास्ता, स्पेगेटी पास्ता, या फिर आप नूडल्स भी यूज कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप स्पेगेटी ही यूज करें, आप नूडल्स भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो हक्का नूडल्स हो या फिर खौसा नूडल्स हो। और उसके बाद हमारे कुछ एलिमेंट्स ये और हैं जो मैंने पहले भी दिखाए आपको, आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आएगी, तो देख लीजिए, कैरेट हमने ऐसे डाइस कर लिए, ऐसे काट लिए हैं लंबे लंबे पतले पतले, जिंजर काट लिए हैं, कोरिएंडर, ये हमें सब लगने वाला है। जब हम प्लेटिंग करेंगे स्पेशली, मैं सारी चीजें साइड करके प्लेटिंग की तैयारी कर लेती हूँ, है ना, बहुत झटपट बनने वाली घर पे इजी डिश, कोई भी गेस्ट आया तो आप उसे दे सकते हैं। हमेशा इम्पोर्टेंट होता है क्लीनिंग, सो क्लीन योर किचन। जब भी आप खाना बनाएं तो साथ में सफाई का जरूर ध्यान रखें। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि मैं मास्टर शेफ इंडिया में सीजन 4 में थी, और वहां पर मैंने फ्लेवर आजम टाइटल जीता था। उसके बाद मैंने और कलिनरी में नॉलेज हासिल किया, सीखा, और उसके बाद मैं अपनी अपना खुद का एक फैंटास्टिक मास्टर शेफ स्टार्ट किया, जिसमें आज हम नीमोस लेकर आने वाले हैं, बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं, जो एक फ्रोजन रेसिपी है। आपको बस अपने घर ले जा करके उसको फ्राई करना है, चाहे बेक करना है, आप जैसे चाहे उसे यूज कर सकते हैं। मैं ये सारी तैयारियां करते करते मैं आपको ये सारी चीजें बता देती हूँ। आप मेरे पेज पर जाकर मुझे चेक कर सकते हैं, मास्टर शेफ इंडिया डॉक्टर सना मीमन, मेरा एक वो पेज है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर सम मोर रेसिपीज। आई होप अभी आप लोग घर पे बैठ के सारे के सारे कुकिंग कर रहे होंगे। सबने बहुत सारी नई नई रेसिपीज और नई नई डिशेस भी सीखी होंगी। निकाल लेते हैं चाय, कुछ चिप्स बना सकते हैं, मैंने पैकेज चिप्स यूज करें, कोई भी चिप्स, जो ये वाइट चिप्स होते हैं जो घर पे भी आप बनाते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। ये भी वन ऑफ द एलिमेंट है जो हमारी प्लेटिंग में यूज होगा।
नेम ऑफ द डिश इज खाउ सुई। सारी चीजों को आप एक बार देख लीजिए, सारे एलिमेंट्स को देख लीजिए, फिर हम उसको प्लेस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले डालेंगे स्पैगेटी बॉटम में, आप एक प्लेट पर भी रेडी कर सकते हैं और एक बाउल में भी रेडी कर सकते हैं। देखिए मैंने स्पैगेटी इसको तोड़ा नहीं है ताकि इसके लंबे लंबे नूडल्स हमें मिल सके। यहाँ पर खाने वालों का झंगट लगा हुआ है, सभी हम इसके ऊपर सबसे पहले डालेंगे। हमने इसको सीजन किया हुआ है, हालांकि सॉल्ट डाल के उबाला था, कोकोनट ऑयल में इसको फ्लेवर किया था, बट देन ऑल्सो मैं थोड़ी सी सीजनिंग डालूंगी। उसके लिए डालूंगी थोड़ा सा पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट इसलिए क्योंकि आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। और फिर मैं डालूंगी इस पर फ्राई किया हुआ गार्लिक, नीचे बॉटम में डालूंगी ताकि बाद में भी आपको बाइट आए, क्रंच आए। थोड़ा सा मटन पहले नीचे डालूंगी ताकि ग्रेवी नीचे नीचे चली जाए। कोकोनट फ्लेवर से भरपूर है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, कोकोनट का जो फ्लेवर है इतना अच्छा खिल के आ रहा है इसमें। पूरी तरह इसको मैं कोकोनट कड़ी से ढक दूंगी। पता चले कि नीचे स्पैगेटी है। नजर आए कोरिएंडर, चिली हमने काट के रखी हुई थी, ये जिंजर, स्प्रिंग अनियंस,
एग्स को स्लाइस करके डालेंगे, या तो फिर मेदरा हाफ करके भी आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी ग्रेवी हम डालेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा कोरिएंडर स्प्रिंकल कर देंगे, कम दिखाई देंगे, छुपा छुपा सा एक दिखाई दे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्लेवरफुल थिंग, बरिस्ता, बरिस्ता डाली। ये बरिस्ता हम डालेंगे इसके ऊपर, बरिस्ता डालते ही इसकी खूबसूरती में चार चांद लगते हैं। एंड चिप्स, आई टोल्ड यू चिप्स, आप चाहें तो इसके ऊपर समोसे की पट्टी भी डाल सकते हैं फ्राई करके। तो मुझे चिप्स पसंद है इसके साथ में, तो मैंने चिप्स यूज़ किया है। आप अपनी मर्जी से और भी कुछ एलिमेंट्स ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, और मुझे बता सकते हैं। समोसे की पट्टी भी रखी हुई थी तो मैं दोनों ही डाल दूंगी, थोड़ी सी समोसे की पट्टी भी डाल दूंगी। कलर्स, कोरिएंडर, इसको लेयर करते चले जाइए और मजे लेते चले जाइए। तो क्योंकि मेरी बहुत बड़ी फैमिली है तो मैं इसको इतने बड़े बाउल में बना रही हूँ, आप थोड़ा भी बना सकते हैं। ये चार से पांच लोगों के लिए काफी होगा। और कोई सवाल हो अगर किसी को इसको लेकर के तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तब तक मैं यहाँ पर टेबल क्लीन करके आपके लिए प्लेट रख देंगे। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। आई होप यू विल लाइक इट, बिकॉज ये हर तरीके से हर जगह अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है। बर्मन स्टाइल अलग होता है, गुजरात स्टाइल अलग होता है, पाकिस्तान में अलग तरीके से बनाया जाता है। सो आप इसमें कबाब्स भी ऐड कर सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं, वेज भी बना सकते हैं, ओनली एग्स के साथ भी बना सकते हैं। देयर आर मेनी पैटर्न्स ऑफ मीट हाउस। Thank you very much.